वेलकम गाइस माय यूट्यूब चैनल ऑटोमोबाइल मैकेनिकल ज्ञान। गाइस अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन प्रेस करना ताकि जो आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। मेरे चैनल पर आपको जेसीबी का और क्रेन का और ट्रैक्टर का रिपेयर का हर तरह का वीडियो मिलता है और जेसीबी का तकरीबन हर तरह का रिपेयर का जो वीडियो है, हर जैक सील का और बुशपिन का और इंजन का ट्रांसमिशन गियर का सारा ओवरहॉल वीडियो पड़ चुका है। तो आज हम लोग इसका जो ब्रेक सिलेंडर है वो हम लोग चेंज करेंगे। तो इसका जो ब्रेक ऑयल हम लोग डालते हैं ब्रेक कुप्पी में तो उसका कम हो जाता है वहाँ से, तो यहाँ से सिलेंडर लगा होता है पेडल के पास वहाँ से लीकेज हो रहा है, तो इसका हम लोग जो है सिलेंडर चेंज करेंगे। तो भाई वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो जी। तो भाई पहले हम लोग इसका जो शॉर्ट हैकर जो फिल्टर असेंबली है, एयर फिल्टर का असेंबली, उसको खोल लेना है ताकि जो जगह बन जाती है वहाँ से खोलने से आसानी रहती है। तो यहाँ से आपको पूरा दिखाई देगा। तो यहाँ पे पहले इसका जो मेन कनेक्शन है ब्रेक वाल का जो सिलेंडर को इन होता है, तो इन पाइप खोलेंगे हम लोग पहले। तो 17 नंबर का यहाँ पे बेंजो लगा रहता है, दोनों खोल लेना। तो भाई जो ब्रेक सिलेंडर है मॉडल के हिसाब से अलग अलग फर्क रहता है इनका। तो कनेक्शन फिटिंग करने का प्रोसेस है जो सेम ही है और जो सिलेंडर में चेंज रहता है वो रहता है थोड़ा बहुत, तो जो इसका कनेक्शन होता है वो सेम ही होता है, इन आउट का पाइप सेम होता है। तो जो मॉडल के हिसाब से वहाँ से फ़र्क होता है और कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। पाइप के तो लाई है अच्छा, इसमें तीन ही कनेक्शन रहते हैं, एक एडजस्टिंग पाइप लगी रहती है जो आपको ऊपर वाले में दिखाई दे रही है और एक सिंगल पाइप लगा हुआ है पेडल का अलग अलग से, तो जो प्रेशर देता है ट्यूब की ओर जाता है जो हिस्से की तरफ जहाँ डिस्क पैड को जाता है ब्रेक का। तो यहाँ पे एक मेन पाइप रहता है नीचे, यहाँ से वाल्व मिलता है सिलेंडर को। तो हम लोग पहले इसका 17 नंबर का बेंजो बोल्ट खोल दिए थे और इसका जो सेंटर का पाइप खोल रहे हैं, ये मेन प्रेस का पाइप है। यहाँ से प्रेशर जब हम लोग पैडल प्रेस करते हैं यहाँ से प्रेशर निकलता है जो कि हमारा जो ट्यूब के डिस्क ब्रेक होता है डिस्क प्लेट होता है वहाँ उसको प्रेस करता है तो हमारी ब्रेक लगती है। तो भाई हम बाहर से कनेक्शन खोल रहे थे, अभी अंदर से भी आपको दिखा रहे हैं। यहाँ से इसका वाली वाल हो गया ब्रेक वाल, यहाँ पे पूरा निकल गया बाहर जहाँ से लीकेज बहुत ज़्यादा था, तो ब्रेक वाल डालते थे जहाँ से निकल के ख़त्म हो जाता था। तो इसका जहाँ से एक ही कनेक्शन रहता है, एक पिन पड़ी होती है जहाँ पे पेडल में, उसको निकाल लेना है। वो हम लोगों ने निकाल के इसको पिन को बाहर निकाल लिया। देखो दूसरे का भी ऐसे निकालना, दोनों सिलेंडर इसमें लगा हुआ जहाँ से बिना हम लोग निकाल दिया पहले। यहाँ पेडल का आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ वहाँ से पिन निकालिए। तो इसका एडजस्टिंग कैसे करना है वो भी हम लोग आपको बताएंगे। पेडल ऊपर नीचे रह जाता है। तो अभी जो सिलेंडर का पाइप कनेक्शन खोलने के बाद जो दो नट रहता है 13 नंबर का वो खोल रहे हैं। एक सिलेंडर तो हम लोगों ने निकाल दिया खोल के, अभी जो दूसरा सिलेंडर है वो निकाल रहे हैं। 13 नंबर का दोनों नट है, अंदर से चाबी लगानी पड़ती है नट को घूमने से। तो ये जो दूसरा सिलेंडर है वो भी निकाल दिया हम लोगों ने, तो वहाँ से अभी हम लोग आपको दिखाएंगे लीकेज सारा पूरा गीला हो गया वहाँ से। तो अभी हम लोग आपको सिलेंडर की गेट के दिखाएंगे लिखी। तो यहाँ आगे से जो वायल आ गया कार्लेसल, तो देखेंगे ये कौन सी कंपनी का लगा हुआ। तो कार्लेसल कंपनी है, कार्लेसल कंपनी जो जेसीबी खुद लगाती है ये कंपनी का, तो जेन्युइन है ये। तो थोड़ा महंगा भी रहता है, 3000 के करीब इसका प्राइस रहता है। तो दोनों हमारे नए सिलेंडर हैं कार लेसल कंपनी के। तो जो पुराने सिलेंडर आपको दिखा दिए हैं और नया सिलेंडर है
लाइसल नया सिलेंडर का जो कनेक्शन है हम लोग अभी करेंगे, तो इसका साइज़ वगैरह जो आपको दिखा देते हैं सेम ही है इसका मॉडल के हिसाब से। तो 8 मॉडल की हम लोग अभी चेंज कर रहे हैं, तो 8-7 से इसमें सेम रहता है और 5 नंबर में फ़र्क रहता है, उसका मॉडल का फ़र्क रहता है। तो अभी इसका जो रॉड है यहाँ से हम लोग निकालेंगे चिड़ी है, जो यहाँ से पिन पड़ती है पैंडल में। तो इसका 17 नंबर का कनेक्शन ना ढीला करके, चिकना ढीला करके इसको खोल लेना। और पुराने से निकाल के हम लोगों ने नए में लगा दिया, और जितना इसका एडजस्टिंग चाहिए हम लोग एक बराबर दोनों का कर दिया, और इसको चिकनेट कर देना है। अभी हम लोग नए का कनेक्शन करना है। तो वह सिंपल तरीका था, तो सॉरी वीडियो नहीं बन पाया। लगाना आसान है, इसको 13 नंबर का 2 बोटल जो खोले थे वो लगा देना वैसे ही। तो अभी इसका हम लोग जो पाइप कनेक्शन है वो कर रहे हैं। तो पहले इसका हम लोग एडजस्टिंग पाइप लगाएंगे, 10 नंबर का इसका निपल रहा था। तो एडजस्टिंग पाइप दोनों साइड दोनों सिलेंडर में लगा देना, तो ये कंट्रोल एक बराबर करता है दोनों का। जब हम लोग एक पेडल प्रेस करते हैं तो दोनों का कंट्रोल सेम रहता है। तो उसको लगाने के बाद उसको फुल टाइट कर देना। और अभी हम लोग जो इसका लगा रहे हैं प्रेशर पाइप जो ट्यूब की ओर जाता है, तो ये दोनों का दोनों साइड लगा देना, एक इधर लेफ्ट साइड एक राइट साइड। तो उनको लगाने के बाद उनको फुल टाइट नहीं करना, तो एक एक चूड़ी उसका जो फ्री रखना। तो जो अभी हम लोग प्रेशर पाइप लगाए हैं तो दोनों का एक एक चूड़ी फ्री रखना है, फुल टाइट नहीं करना। उसके बाद हम लोग इसका बेंजो बोर्ड टाइट कर दिया जो मेन पाइप जहाँ से वाल जाता है ब्रेक वाल। उसके बाद हम लोग इसका जो ब्रेक वाल डालेंगे जहाँ से, तो इसमें थोड़ा हाइड्रोलिक मिक्स करेंगे ताकि जो वायर है थोड़ा बढ़िया ब्रेक लगता है उससे। तो बहुत ऑपरेटर हैं जो बहुत मकैनिक है जो हाइड्रोलिक भी यूज करते हैं साथ में, तो मिक्स करना है उसको। तो अभी हम लोग कनेक्शन हो गया और ब्रेक वाल डाल दिया, जहाँ से पेडल प्रेस कर रहे हैं अंदर से तो यहाँ से कम हो रहा है वाला जो ब्रेक कुप्पी से कम हो रहा है और सिलेंडर में जा रहा है। तो जब हम लोग पेडल प्रेस करते हैं यहाँ पे जो सेंटर का पाइप जो हम लोगों ने ढीले छोड़े थे प्रेशर पाइप, वहाँ से जब पेडल प्रेस करते हैं अंदर से तो वहाँ से वायर आएगा, एयर निकलेगी यहाँ से। जब एयर निकल जाएगी इसका भर जाएगा सिलेंडर, तो वायर आने लग जाएगा, तो भी इसको टाइट कर देना। अभी दूसरे का देखेंगे, इधर वाले में आ गया था, इसको थोड़ा ढीला करेंगे। अभी इसमें भी आ रहा, जब तेल पूरा आने लग जाए प्रेशर से तभी इसको टाइट कर देना। तो ये दोनों पाइप है जो टाइट कर दिया। तो जो पैडल है हमारा हार्ड हो गया पूरा, जो पैडल है बन गया। तो प्रेस करके जो इसका एयर है वो निकाल दिया, प्रेशर पाइप है जो टाइट कर दिया। तो भाई अभी जो हम लोग मशीन स्टार्ट कर लिए, और मशीन स्टार्ट कर लिया और अभी इसको चेक करेंगे। तो चेक करने के बाद पहले छोटे गियर में ब्रेक लगाएंगे, धीरे धीरे छोड़ छोड़ कर लगाना है, तो ऑटोमेटिक जो पेडल भी टाइट हो जाएगा और इसकी जो थोड़ी बहुत एयर होगी तो निकल जाती है। तो एक एक पेडल है जो प्रेस करना है, पहले उधर का फिर इधर का, दोनों एक साथ बाद में दबाना। तो इसको बड़े गियर में लगाएंगे फिर चेक करेंगे। तो अभी ब्रेक धीरे धीरे अपने आप बन रहा है, पूरा सही से बन जाएगा। अभी इसको यहाँ पे चेक करने के बाद इसको रोड पर चलाएंगे और उसके बाद इसको भी चेक करेंगे। वैसे तो ब्रेक लग रही है बढ़िया, पैडल भी टाइट हो गया,
और स्टेपलर से जो है इसको नीचे उतारेंगे, स्टेपलर ऊपर उठाने के बाद इसको साफ सुथराएंगे, तो फिर जो है इसका ब्रेक लगा कर देखेंगे। तो ये तकरीबन जेसीबी का पुल, हाँ और बनाने वेला होना।